हेलो एवरीवन। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है, आइदर इट्स बुलिश और बेरिश। हाँ, जो लोग हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे तो लास्ट में हम एक स्टॉक का एनालिसिस भी शेयर करेंगे जिसमें आप ऑप्शन या फिर इक्विटी फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो कंफ्यूजन सबसे बड़ी रहती है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अब मैं ओवरऑल व्यू की बात कर रहा हूँ ना कि इंट्राडे व्यू की। तो मेरे लिए अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, ये लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये लो ब्रेक हुआ, अब उसके बाद एक अप मूव आ रही है। ये दो कैंडल्स, डेफिनेटली दो कैंडल्स में ये साइडवेज मार्केट थी और यहाँ पे एक थोड़ी बाइंग आई, तो डज नॉट मीन कि मार्केट रिवर्स हो गई है। बाइंग आई है, रिट्रेसमेंट हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पे तो ये मेरे लिए बेरिश है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इंट्राडे के लिए मैं ना बेरिश हूँ ना बुलिश हूँ, क्योंकि इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है। आप ओवरऑल व्यू को इंट्राडे के लिए मत लेके जाइए, ओवरऑल व्यू को आप एज अ ओवरऑल व्यू रखिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है या कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है फिर उसके लिए ओवरऑल व्यू ठीक है। इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, जैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश था लेकिन फिर भी 2 दिन बाइंग आई, तो इट डज नॉट मीन कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है तो आप इंट्राडे में भी सेल मारेंगे। नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहना ही पड़ेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं सेल की ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी एज कम्पेयर टू बाय ट्रेड, ये हो सकता है। लेट्स सपोज आपने सेल का ट्रेड किया तो आप उसको थोड़ा ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू बाय ट्रेड, दिस इज पॉसिबल। तो आगे मुझे क्या लग रहा है, तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो मैं वेट करूंगा डेफिनेटली इस लो के ब्रेक होने की, जो कि एक नेक्स्ट मूव को इनिशिएट करेगा यहाँ से, वही हायर लोअर हाई फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा। सेकंड, हम ध्यान रखेंगे एक ट्रेंड लाइन का जो ऊपर से हमारे पास आ रही है, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी और ये लोअर हाई फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तब तक मेरे लिए मार्केट बेरिश है। अगर आप देख रहे हैं बड़ी मूव के लिए, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो क्रैश की जैसे मैं बात करूं या फिर एक बड़े फॉल की बात करते हैं तो मेरे लिए उसके लिए ये एक लेवल है यहाँ पे, ये वाला एरिया, यहाँ की बॉटम लगा लेते हैं इसका। तो दिस इज 37,392। तो ये एक ऐसा लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। बड़ा क्रैश इन सेंस एक बड़ी डाउनफॉल आ सकती है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, तो ये वो लेवल है। अगर कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हो सकता है मार्केट एटलीस्ट यहाँ से 5,000 पॉइंट का फॉल दे दे, मीन्स 37,400 से 32,300 तक भी मार्केट आ सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। पहले तो यहाँ से डेफिनेटली बाइंग आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर एक बड़े फॉल की तैयारी कर लीजिए आप। तो मेरे लिए बड़े फॉल का लेवल ये वाला लेवल है। तो अब बात करते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। चलिए पहले आज के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं जो अभी हमारे पास होंगे। तो पहले डेली भी देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल हमारे आज काम का हो सकता है। एक तो हमारे पास डेफिनेटली ये जो स्विंग लो है ये होगा, लास्ट टाइम का डे लो भी मार्क कर लेते हैं। ऊपर से हमारे पास यहाँ पे ये एक लेवल आ रहा है। अब अगर मैं ऊपर वाली साइड बात करूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी। अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो आपको एक अच्छा खासा और भी बाउंस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं ब्रेक किया तो फिर वापस मार्केट दोबारा नीचे चल पड़ेगी। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी जा रही है, उसको भी अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे ट्रेंड लाइन ठीक है, लेकिन इन दो की जो एक कनेक्टिविटी बन रही है, चलो इसको छोड़ ही देते हैं ट्रेंड लाइन को। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो हो सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया। अब अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, मीन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस है। हो सकता है बैंक निफ्टी मतलब 150 से 200 पॉइंट्स गैप डाउन हो जाए। तो उसके बाद हमारा क्या प्लान होगा, अगर मार्केट गैप डाउन होती है थोड़ी सी यहाँ पे, कहीं मार्केट खुलेगी इस एरिया में तो मैं वेट करूंगा फिर इसी लेवल की। अगर मार्केट इस लेवल के पास आया और रिजेक्शन देगा फिर हम सेल का प्लान करेंगे। ओवरऑल देख लेंगे कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, वॉल्यूम्स, डाटा पॉइंट्स, सभी अगर बेरिश हो गए तो डेफिनेटली एक सेल का प्लान होगा। अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ से बाइंग तो नहीं करूंगा, जो लास्ट टाइम का डे हाई था मीन्स अराउंड 690 के आसपास उससे बाइंग करेंगे।
तो वहां से आपको इजिली 200 पॉइंट्स का आप मूव तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। मीन्स अगर आप 39,700 की कॉल बाय करेंगे तो उसमें आपको इजिली 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ नियरली अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स। तो मीन्स 1:4 से लेके 5 तक आपको टारगेट इजिली मिल जाएगा। अगर कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही ना जा पाई, नीचे जाना शुरू कर दिया, फिर आप वेट कर सकते हैं। इस लेवल को भी देख सकते हैं 39,500। हो सकता है यहाँ से मार्केट यू टर्न मार जाए। तो यहाँ से एक्चुअली लेवल का फायदा यह है कि अगर यहाँ से सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, 1 से 2 कैंडल का हार्डली स्टॉप लॉस होगा आपका। और आने के लिए आपको 2 कैंडल भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, कितनी भी आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर रिएक्शन आई तो काफी अच्छी आएगी, तो एटलीस्ट 39,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ओपनिंग होने के बाद क्या कर रही है। अगर रिजेक्शन देगी, थोड़ा सा आप मूव देगी, दोबारा रिजेक्शन देगी, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, नीचे आई, थोड़ी सी ऊपर की दोबारा आएगी, यहाँ से भी आप सेल प्लान कर सकते हैं। ऊपर जाके यहाँ से बाउंस नीचे आएगी तब भी, यहाँ से भी, और आपका टारगेट होगा अराउंड 39,000 लेवल। इसकी वेट मत करना, 39,000 इज अ परफेक्ट टारगेट। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगी, इससे नीचे सस्टेन करेगी, तो फिर हम दोबारा एक सेल प्लान कर सकते हैं जिसका टारगेट हो सकता है यहाँ तक 300 पॉइंट्स। तो आप 300 की वेट मत कीजिए, बिकॉज दैट विल बी अ बिगर टारगेट। आप एटलीस्ट 1:2 और 1:3 के आसपास अपना हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। जो बाकी हाफ बचे उसको आप ट्रेल कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, कहीं पे भी चला जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, 150 आ जाए, 100 आ जाए, जितने पॉइंट मिल जाएंगे अच्छे अच्छे आपके लिए। तो ये तो था मेरा प्लान बैंक निफ्टी के लिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है इसकी। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे कुछ खास कह नहीं रही, यहाँ पे भी बिल्डअप है, यहाँ पे बिल्डअप है, थोड़ा सा बिल्डअप यहाँ पे ज्यादा है, तो कुछ खास सिनेरियो नहीं है। तो ऑप्शन चेन को अभी मैं इग्नोर करके चलूंगा, क्योंकि नाइदर इट्स बुलिश नॉर बेरिश, एवरेज सी ऑप्शन चेन है। तो देखेंगे मार्केट कहाँ पे खुलेगी, उसके साथ साथ कैसे चेंजेस आएंगे ऑप्शन चेन में, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की, और उसके बाद बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की। अगर आप ओवरऑल निफ्टी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली बेरिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बाउंस आया, ब्रेक डाउन हुआ, बाउंस आया, फिर ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक अप मूव आ रही है डेफिनेटली। तो आपको पता ही है कि मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ तक जानी चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर देती है, इससे ऊपर चली जाएगी ये मूव, फिर मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी बहुत एक बड़ी और बाउंस भी आ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है इस एरिया से ही वापस आ जाना चाहिए इसको। तो चलिए देखते हैं आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। तो एक तो हमारे पास ये डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त, जो एक नेक लाइन का काम करेगा, जैसे ये कप इन्वर्टेड कप एंड हैंडल था, इसकी नेक लाइन का काम करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा जो लास्ट टाइम का डे लो था, ये भी, ये पीछे वाला स्विंग लो, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे है तो वहां पे मैंने बताया था ये वीकली डिमांड जोन था, तो यहाँ से बाउंस तो पॉसिबल था। अगर आप वहां पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। हम लाइव मार्केट में भी काफी कुछ वहां पे शेयर करते रहते हैं, तो ये लेवल मार्क कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा अच्छा लेवल नहीं है, इसको थोड़ा सा लाइन पतला कर लेते हैं। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अब डेफिनेटली आपको SGX 50 बता रहा है कि थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, हो सकता है 17,060-70 के आसपास मार्केट खुले यहाँ पे इस एरिया के आसपास। तो अगर इस एरिया के आसपास खुलेगी तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। अगर मार्केट नीचे गई 17,000 के आसपास, यहाँ पे मैं देखूंगा अगर मार्केट ने रिवर्स देने लगेगी, कुछ कैंडल्स बनेंगे स्ट्रेंथ वाली, तो मैं बाइंग प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से भी बाइंग प्लान कर सकता हूँ। सेलिंग में प्लान करूंगा इस लेवल से नीचे। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी 16,963 को और इससे नीचे सस्टेन हो गई, फिर मैं एक सेलिंग की ट्रेड के लिए जाऊंगा। और अगर मैं बात करूं बाइंग की ऊपर वाली साइड, अगर ऊपर वाली साइड मार्केट डे हाई को, जो लास्ट टाइम का डे हाई था, उसको ब्रेक करेगी, तो यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। आपको इजिली यहाँ से 80 to 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे इंडेक्स में, और ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे अराउंड 45 to 650 पॉइंट्स। आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियरली 10 to 12 पॉइंट्स का, मीन्स आपको 1:4 से 5 तक का टारगेट भी मिल सकता है इजिली। तो अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप यहाँ तक भी आ सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हो तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो कि काफी दूर है, मे बी आज आज में ना आए। अगर मार्केट नीचे गई इस लेवल के पास, यहाँ से, यहाँ पे सेलिंग मत करना इससे नीचे, क्योंकि इसके नीचे काफी बड़ा बाइंग जोन है। चलिए मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ये बाइंग जोन। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना, ये रहा,
एक वो बाइंग जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां से देखिए बाइंग आई, यहां से बाइंग आई, यहां से बाइंग आई, यहां से बाइंग आई, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बाइंग जोन है। यहां से सेलिंग मत प्लान करना, इस एरिया में तो आपको बाय एंड सेल की ट्रेड ही मिलेंगी। अब कहीं से भी मिल सकते हैं, ऑलरेडी एक तो बाउंस आ चुका है, दूसरा बाउंस हो सकता है इसके बॉटम से आ जाए, तो यहाँ पे तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा। अगर इसके लो को ब्रेक कर देगी, मीन 750 के लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर जैसे हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे थे, एक आपको बहुत ही जबरदस्त फॉल देखने के लिए मिल सकता है, एटलीस्ट 300 पॉइंट्स यहाँ पे। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर आपको यहाँ तक मीन्स 15,700 मीन्स 1,000 पॉइंट का फॉल देखने के लिए भी मिल सकता है आपको निफ्टी में, अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन भी कुछ खास नहीं है, बस से सेम सा सिनेरियो, यहाँ पे भी बिल्डअप है, यहाँ पे बिल्डअप है, कुछ नाइदर बुलिश नॉर बेरिश कुछ कहने वाली मतलब यूजफुल ऑप्शन चेन नहीं है, कुछ व्यू लेके नहीं जा सकते हम इससे। तो चलिए बात करते हैं एक स्विंग ट्रेड की, जो हम बात कर रहे थे पहले से। तो ये मेरे पास एक आइशर मोटर का स्टॉक, अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट काफी जबरदस्त फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा कोशिश की बायर्स ने, लेकिन फाइनली सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया। चलिए मैं आपको थोड़ा लेवल्स मार्क करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इस एरिया को मार्क करने की कोशिश करूंगा तो ये वाला एरिया, ये वो एरिया है यहाँ से बायर्स ने काफी ट्राई किया लेकिन वो स्ट्रांग नहीं थे, और फाइनली किसने डोमिनेट कर लिया, सेलर्स ने। और सेलर्स ने डोमिनेट होने के बाद आप देखेंगे अगर, तो थोड़ा सा लेट तो है हम, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी रीटेस्ट भी कर दिया और मार्केट नीचे आ गई। आज अगर आपको इस एरिया में कहीं सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ से 3,000 के आसपास सेलिंग प्लान करूंगा, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा हार्डली ये वाला 31, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपका, तो 100 पॉइंट मीन्स नियरली अराउंड 3% का स्टॉप लॉस है। अब बात करूँ टारगेट की, अगर आप यहाँ से टारगेट की वेट करेंगे तो आपको इजिली इजिली यहाँ से जो टारगेट एरिया मिलेगा वो ये वाला होगा। तो ये मेरे लिए टारगेट का एरिया होगा मीन्स 27,650, तो 300 पॉइंट का नियरली आपको टारगेट मिल सकता है 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको पार्शियली एग्जिट करना होगा तो पार्शियली आप इस लेवल के आसपास कर सकते हैं, 2850 के आसपास, जब मार्केट 2850 के आसपास आ जाए मीन्स 150 पॉइंट आपको मिल जाए, तो वहां पे आप अपनी पार्शियल पोजिशन बुक कर सकते हैं, रेस्ट हाफ को होल्ड कर सकते हैं, जो बाकी हाफ होगा वो उसको इस एरिया के आसपास सेल कर मतलब एग्जिट कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है, आपको देखिए इक्विटी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इक्विटी को तो आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस। अगर ऑप्शन बाय करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आइदर यू कैन बाय 29,050, 3,000 बाय मत करना, 29,050 की वो ऑप्शन बाय कीजिए, या फिर 29,000 वाली, 29,000 वाली थोड़ी सी ज्यादा रिस्क, सस्ती होगी डेफिनेटली पर थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होगी, बट हाँ रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं अभी की बात करूँ तो नियरली 20 के आसपास है, अगर कहीं मार्केट ने जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा फॉल दिया तो वो हो सकता है मोर देन डबल हो जाए, लेकिन अगर मार्केट नहीं गई नीचे तो वो उसका टाइम डिके भी काफी आएगा, बिकॉज आज ट्यूजडे हो चुका, आज मंडे है और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 1 वीक ही पेंडिंग है, नेक्स्ट वीक तो एक्सपायरी आ जाएगी इसकी मंथली। तो आपकी चॉइस है आप कौन सी लेना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको लगे मार्केट दोबारा इस जोन में आ रही है, यहाँ पे भी आप एग्जिट मार सकते हैं, मीन 33,067 से ऊपर सस्टेन करे तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इस हाई को स्टॉप लॉस मान सकते हैं। अब देखिए रिस्क हर ट्रेड में होता है, मेनली चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। अगर आपको लगे 1:2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वहां पे आप अपनी हाफ या फिर फुल पोजीशन भी एग्जिट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।